इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफेरेड इज ई, ठीक ना। और ये हमें अरेंजमेंट दे रखा है और 6 माइक्रोफेरेड में एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, ई। आगे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। सेकेंड पॉइंट, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफेरेड और टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, 6 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस एनर्जी। तो ये दोनों पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल मान लिया है वी, पोटेंशियल मान लिया है वी। ठीक, तो एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफेरेड क्या हो जाएगा, यू वन इक्वल टू हाफ इंटू 6 इंटू V का स्क्वायर, ठीक ना। सिक्स इंटू वी का स्क्वायर, इसके कैंसिल 3, तो यू वन है कितना E, तो इक्वल टू हो गया 3V स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब देखो पहला पॉइंट, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफेरेड, तो यू टू इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू V का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में है ना, 6 और 12 जो है पैरेलल में है, तो पोटेंशियल भी सेम रहेगी, तो इसके कैंसिल 6, तो U2 इक्वल टू 6V स्क्वायर, तो U2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसे 2 इंटू 3V स्क्वायर, तो 3V स्क्वायर किसके बराबर है, E, तो U2 इक्वल टू 2E। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, तो उसके लिए हमें पोटेंशियल तो हमें पता है नहीं, तो हमें क्या पता है, कुछ नहीं पता है। हाँ, इसकी हेल्प से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं सर्किट में, ठीक ना। इसका इक्विवेलेंट इनटू वी इज द टोटल चार्ज, ठीक ना। मतलब ये ऐसी सर्किट हो जाएगी ना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये तो है 18 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, 12 6, ये दोनों पैरेलल में, तो 18, ये 3 माइक्रोफेरेड। अब यहाँ की पोटेंशियल आप जानते हो वी है, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, तो क्यू बराबर 18V, ठीक ना, क्योंकि सीरीज में जो चार्ज जिसपे वही चार्ज इसपे, ठीक ना। तो टोटल चार्ज इन द सर्किट क्यू बराबर 18V हो गई। क्लियर, क्यू बराबर सी इक्विवेलेंट इनटू वी। अब देखो एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफेरेड, तो इस बार हम फॉर्मूला लगाएंगे क्यू स्क्वायर बाय 2C, क्योंकि अभी हमें चार्ज पता है, पोटेंशियल नहीं पता 3 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस क्या है, ठीक ना। तो यू बराबर हो गया, क्यू की जगह हो जाएगा 18V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो यू बराबर कितना हो गया 324, 18 का स्क्वायर 324 इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, इससे कैंसिल कितना हो गया 54, तो यू बराबर 54V स्क्वायर, तो यू बराबर 18 इंटू 3V स्क्वायर। अब 3V स्क्वायर किसके बराबर है, ई के, तो 18 ई, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफेरेड 18E। क्लियर, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो थर्ड है टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो निकाल लो यू टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री। ठीक, तो कितना हो गया, ई प्लस 2E प्लस 18E, तो टोटल एनर्जी इज 21E। क्लियर। क्लियर,